हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ट्रेडिशनल गन्ने के रस की खीर। तो इसलिए करीब मैंने 3 बड़े कप गन्ने का रस लिया है और आधा कटोरी चावने जिन्हें मैंने पानी में घोल कर रख लिया है। तो इसमें चीनी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि गन्ने का रस ऑलरेडी मीठा होता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में गन्ने का रस डालें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गर्म करना है। और जैसे ही ये मैंने कोकोनट पाउडर था जो साइड में रह गया था, तो इसे हम बीच में यूज़ करेंगे। गन्ने के रस को गर्म करें। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए इसमें चावल डाल दें। चावल डालने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे और बीच में से चलाते भी रहेंगे। करीब 10 मिनट के बाद जैसे ही चावल उबलना शुरू हो जाएंगे तो इसमें कोकोनट पाउडर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें अलग से हम कोई भी चीनी यूज नहीं करेंगे। तो ये देखिए, चावल अच्छे से पक चुका है और गन्ने के रस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये लीजिए, गन्ने के रस की खीर रेडी है। तो जरूर ट्राई करें एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।